हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय से 14 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमारा इन्वोकेशन, दैट इज हरे कृष्णा महामंत्र, हम जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम 14 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। तत्श्वेतहयुक्ते महति स्वंदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। यहाँ पे तत् मतलब तत्पश्चात, श्वेते मतलब श्वेत, हये मतलब घोरों से, युक्ते मतलब युक्त, महति मतलब विशाल, संदने मतलब रथ में, स्थितो मतलब असीन, माधव मतलब कृष्ण ने, पांडव मतलब अर्जुन पांडव पुत्र ने, च मतलब तथा, एवं मतलब निश्चय ही, दिव्यो मतलब दिव्य, शंख मतलब शंख, प्रदत मधु मतलब बजाए। तो यहाँ पे कहा गया है, दूसरी ओर से श्वेत घोरों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर असीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इसका तात्पर्य है, विष्णुदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडव पुत्र ना श्वेषा पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्रों जैसी की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वही वही लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वो अपनी पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंखों द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र असीन थे वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदान था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। यहाँ पे हमने 14 नंबर श्लोक पढ़ा, देन हम पढ़ेंगे 15 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा।